वेलकम टू साइक स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे कोर्स कोड PS5 403 का लेसन नंबर 9, दैट इज द सेल्फ। सेल्फ के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ उन्होंने कुछ प्रीवियस लेक्चर नंबर 8 का बताया हुआ है, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। द सेल्फ इंट्रोडक्शन। नो टॉपिक इज मोर इंटरेस्टिंग टू पीपल देन पीपल। उन्होंने कहा कि मतलब नो सेल्फ जो है वो इतना ज्यादा वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, इतना ज्यादा वर्ड बोला जाता है कि 1999 में द वर्ड सेल्फ जो है वो एक बुक में 9269 दफा इस्तेमाल किया गया, लिखा गया। अब सेल्फ कंसेप्ट है क्या? सेल्फ कंसेप्ट इज पर्सन्स आंसर टू द क्वेश्चन हु आई एम। सेल्फ कंसेप्ट जो है वो एक क्वेश्चन का, एक पर्सनली एक क्वेश्चन का आंसर है कि मैं कौन हूँ, हु आई एम। 20 स्टेटमेंट टेस्ट जो है ये कोहन एंड एमसी मार्टिन ने इस्तेमाल किया था सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में आइडिया लेने के लिए। द सेल्फ इज अ सिंबल यूजिंग सेल्फ रिफ्लेक्टिव सोशल बीइंग। ठीक है, इसमें उन्होंने कहा है कि जो सेल्फ है वो एक सिंपल और कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट भी है, और सिर्फ सेल्फ सिर्फ ये नहीं है जो आपके माइंड के अंदर इनसाइड मतलब मौजूद होता है, बल्कि सेल्फ एक फिजिकली सोशल अवेयरनेस का वर्ड भी है। जो सोशली हम अपनी लाइफ गुजारते हैं उसके अंदर सेल्फ अवेयरनेस जो है इसे भी सेल्फ कहा जाता है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि जो ब्रेन होता है इसके अंदर जो हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है ये एक रिंकल्ड लुकिंग आउटर लेयर है ब्रेन की, जो कि ब्रेन के को फुली फंक्शनली यूनाइट करती है, और इसके अंदर थिंकिंग सेंटर जो है पाया जाता है हमारे माइंड का। और जो फ्रंटल लोब है ये इन्वॉल्व होती है हमारी प्लानिंग, हमारी सोशल स्किल्स और हमारी अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में। ठीक है, ये इसलिए उन्होंने ये चीज़ यहाँ पे बताई है कि सेल्फ के अंदर भी तो प्लानिंग, सोशल स्किल्स और अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग्स वगैरह आती है। तो ये तमाम चीजें हमारे माइंड में सेरिब्रल कॉर्टेक्स के फ्रंटल लोब्स में पाई जाती है। यहाँ पर उन्होंने डायग्राम बना के भी समझाया आगे, ये इंपॉर्टेंट है कि जो जेम्स एंड मीड से इन्होंने थ्योरी पेश की, जिसमें उन्होंने बताया कि सेल्फ जो है डिस्क्राइब करता है दो सेपरेट एस्पेक्ट्स को। फर्स्ट जो था आई, जिसे नोयर कहा जाता है, और सेकंड है मी, जिसे नोन कहा जाता है। नोयर होता है जानने वाला, जो बंदा जो चीज जानता है। अब जो चीज जिसको जाना जाता है उसे कहते हैं मी नोन। फॉर एग्जाम्पल मैं जानता हूँ, आई एम आई, ठीक है, लेकिन मैं किसको जानता हूँ, मैं खुद को जानता हूँ, तो मी। समझ आ गई? जानने वाला कौन है? मैं, आई, ठीक है। किस चीज को जानता हूँ? खुद को, मी। इसे कहा जाता है आई को नोअर, और मी को क्या कहा जाता है? नोन। उसके बाद टाइप ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस की दो टाइप्स बताई हुई, प्राइवेट सेल्फ अवेयरनेस एंड पब्लिक अवेयरनेस। प्राइवेट सेल्फ अवेयरनेस में क्या चीज आती है कि जो आपकी हिडन सेल्फ एस्पेक्ट्स होती है, फॉर एग्जाम्पल आपको कहीं पेन हो रही है, या आप शीशे के सामने खड़े होकर खुद को देख रहे हैं प्राइवेटली, कोई आपको नहीं देख रहा, या आपको कहीं पेन होती है स्टमिक वगैरह में, तो वो कोई दूसरा फील नहीं कर सकता, वो प्राइवेट सेल्फ अवेयरनेस है। पब्लिक अवेयरनेस क्या होती है कि आप तमाम लोग भी आपको आपको देख रहे होते हैं, आपसे अवेयर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी एक फोटोग्राफर है, ठीक है, आप कोई भी फोटोग्राफी कर रहे हैं तो तमाम लोग आपको खड़े होकर देख रहे हैं, तो ये होगा पब्लिक अवेयरनेस। ठीक है, तो ये हमारा लेसन नंबर 9 था, जिसके अंदर हमने द सेल्फ के बारे में पढ़ा कि क्या होता है, इसके दो एस्पेक्ट्स होते हैं आई एंड मी, और सेल्फ अवेयरनेस के दो टाइप्स हैं, प्राइवेट सेल्फ अवेयरनेस एंड पब्लिक अवेयरनेस। और हमारे माइंड के किस हिस्से में जो थिंकिंग वगैरह है इसका सारा प्रोसेस होता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स और फ्रंटल लोब में। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कंसेप्ट क्लियर करवा दी है। फिर भी कुछ समझ नहीं आता है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। लास्ट में फिर वही रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।